अब कुछ नहीं बदल सकता। और किस हक से तुम यहाँ मेरे घर में मुझे बातें सुनाने आई हो? किस हक से तुम अभी को अपना कहती हो? अभी सिर्फ मेरा है, मुझसे प्यार करता है वो। And for your kind information, मैं तुम्हारे और अभी के बीच में नहीं आई हूँ, बल्कि तुम मेरे और अभी के बीच में आई हो। ये जानते हुए भी कि अभी मुझसे प्यार करता है, तुमने उससे प्यार करने की भूल की। अब बताओ गलत कौन हुआ, किसकी गलती है, तुम्हारी या मेरी? So now you have to suffer. और तुम्हारी ये सफरिंग और बढ़ने वाली है। जानती हो क्यों? क्योंकि अभी तुम्हें अपने घर से धक्के मार के बाहर निकालने वाला है। तुम अभी की दादी की पसंद हो, अभी की नहीं। जानती हूँ, पर फिर भी मैं बीवी हूं उनकी। मुझसे शादी करने के लिए उनके पास चाहे कोई भी वजह रहे, लेकिन इस शादी को वो इसलिए निभाते हैं क्योंकि हमारे रिश्ते पर उनको भरोसा है। जानती हूँ कि समाज की, दुनिया की किसी भी रीति रिवाजों को वो नहीं मानते, लेकिन मेरे साथ लिए उन सात फेरों को वो बहुत मान सम्मान देते हैं, और मेरे लिए इतना काफी। और तनु, पहले मैं सिर्फ इस रिश्ते के लिए लड़ रही थी, लेकिन अब हालात बदल गए। अब मैं अपने प्यार के लिए लड़ रही हूँ। इन्हें मुझसे कोई छीन नहीं सकता। बहुत प्यार करती हूँ मैं इनसे। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। वो रॉकस्टार है यार, इतना बड़ा आदमी है, मेरे एक फोन पे पूरे शहर की पुलिस उसको कहीं से भी ढूंढ के निकाल लाती। तो तू क्यों गया? और अगर तू उनसे प्यार नहीं करता तो तूने गोली क्यों खाई थी? ऑपरेटर तो प्रज्ञादी को मारना चाहता था ना, तू क्यों आया था बीच में? मारने देता उसको। और अगर तू प्यार नहीं करता तो तू जलेस क्यों फील कर रहा था उस दिन झूठ वाले थे? और तुझे याद है एक बार मैंने और बुलबुल ने प्रज्ञादी को छुपा दिया था और तूने मिस कर रहा था? अब जिन लोगों को तू प्यार नहीं करता उनको तू मिस कैसे कर सकता है यार अभी? और सबसे बड़ी बात, अगर तू प्रज्ञादी से प्यार नहीं करता तो तूने उन्हें आई लव यू क्यों कहा? तू किसी को भी बोल देता है क्या आई लव यू? और ये क्या, ये सारी फोटोज रखी हुई तूने यहाँ पे? प्रज्ञादी को प्यार नहीं करता तो उठा के फेंकना इनको बाहर, क्या जरूरत है रखने की? ये तो एक बात बताओ, ये जो तेरा कंफ्यूजन है ना, इसका सॉल्यूशन तुझे तभी मिलेगा जब तू मेरे सवाल का जवाब दे। तेरे पास जवाब है पर तू उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। कंफ्यूजन का सॉल्यूशन भी है पर ऑफ कोर्स अभी तो रॉकस्टार एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। तेरी प्रॉब्लम पता है क्या? अभी तू बहुत डरपोक है और ईगोइस्टिक है। ये जो तेरे अंदर का ईगो है ना, ये तुझे तेरी फीलिंग्स एक्सेप्ट ही नहीं करने देता। आई डोंट नो व्हाई बट नहीं करने देता यार। तू प्रज्ञादी के सामने अभिषेक मेहरा नहीं, अभी तो रॉकस्टार बन के देखता। ये जो तेरी रॉकस्टार की इमेज है ना, अभी ये तुझे बोलती है कि शिट यार, मैं अभी तो रॉकस्टार एक मामूली लड़की से प्यार थोड़ा कर सकता हूँ। यू नो व्हाट, मुझे कहना तो नहीं चाहिए पर तू बहुत बड़ा रॉकस्टार है यार। इतने सारे फैंस है तेरे, हजारों लोग तेरे से प्यार करते हैं, सब कुछ है तेरे पास, बहुत पैसा भी, बस दिल नहीं है यार तेरे पास। सो सैड। एक काम करेगा, बस एक बार अपनी आंखें बंद करके देख कि किसका चेहरा सामने, प्रज्ञादी का या किसी और का। तेरे को पता चल जाएगा तू किससे प्यार करता है। और अगर फिर भी तेरे सामने प्रज्ञादी का चेहरा नहीं आता तो जस्ट अ सेकंड। ये पता, अगर उनका चेहरा सामने ना आए ना तो जस्ट थ्रो दिस फोटो, क्या जरूरत है इस फोटो को रखने की? ठीक है, तू ये सब सोच, ऑल द बेस्ट, मैं चलता हूं। इतना अजीब क्यों फील कर रहा? क्यों फील कर रहा? जैसे मेरी जिंदगी से कुछ मिसिंग है। क्या कर रही तुम? यहाँ क्यों लेके आई हो मुझे? कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं। मैं जानती हूँ तुम झूठ बोल रही हो, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, ये तुम्हारा कोई गेम है। कोई भी लड़की अपनी प्रेगनेंसी को लेकर झूठ क्यों बोलेगी? तुम दूसरी लड़कियों की तरह नहीं हो, तुम किसी भी हद तक गिर सकती हो। और ये जो तुमने झूठा इल्जाम लगाया ना इन पर, वो इस बात का सबूत है। मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, ये इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। अभी हमेशा से मेरे इतने ही करीब रहा है। झूठ, क्योंकि किडनैपिंग से लेकर अब तक ये हर वक्त मेरे साथ थे। इस दौरान तुमसे मिलना तो दूर, उन्होंने तुमसे फोन पर भी नहीं बात की। हाँ तो मैं कब कह रही हूँ कि मैं कल ही प्रेग्नेंट हुई हूँ?
अभी ने मुझे ये खुशी तब दी थी जब तुम्हारा और सुरेश का MMS देख के अभी तुम्हें डिवोर्स देने वाला था। उस वक्त अभी मेरे साथ हर वक्त रहता था। हाँ, ये बात अलग है कि मुझे आज पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि शायद अभी की किडनैपिंग के चक्कर में मैं खुद इतनी टेंशन में थी कि मुझे समझ में नहीं आया। तो फिर तुम्हें इस क्लिनिक में अपना चेकअप करवाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? अब चेहरे का रंग उतर गया, डर लग रहा है कि कहीं तुम्हारा झूठ पकड़ा ना। डर इस बात का लग रहा है कि जब तुम्हें सच्चाई पता चलेगी तो तुम्हें कितनी शर्मिंदगी महसूस करोगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, आज तुम्हारी असलियत सामने आएगी। और डॉक्टर? यस। नमस्ते, मैं प्रज्ञा, मैंने फोन किया था आपको। दरअसल इन्हीं का चेकअप, मेरा मतलब है प्रेगनेंसी टेस्ट करवाना। ठीक है, आप वेट कीजिए, आप आइए मेरे साथ। डॉक्टर, ये प्रेग्नेंट नहीं है ना? ये प्रेग्नेंट है। बल्कि इन्हें ऑलमोस्ट 1.5 मंथ प्रेगनेंसी है। बदला मैंने अपने आप को किसके लिए बदला? पहले सब कितना अच्छा था, मैं प्रैक्टिकल थी तो क्या बुरा था, कम से कम प्यार से तो दूर थी, दिल टूटने के इस दर्द से तो दूर थी। फिर ये बेवकूफी क्यों की मैंने? क्यों क्यों कमजोर पड़ गई, क्यों हार गई अपना दिल? हेलो, हेलो, कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। हेलो, हेलो, तुम चुप क्यों हो? जवाब दो ना। देखो, सीरियसली, आई वांट टू टॉक टू यू। मुझे तुमसे बहुत सारी चीजों के बारे में बात करनी है। तुम जल्दी आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। हेलो, हेलो, जवाब तो फुकी, कुछ तो बोलो। तुम हो ना वहां पर? रास्ते में हूँ, आ रही हूँ। बहुत गुस्से में लगती है, सीधे मुंह बात तक नहीं की मुझसे। बेटा भी ठीक भी तो है, मैं डिजर्व भी यही करता हूँ। एनीवेज, लौटने दो उसे, मैं उसे सॉरी कह के सब पहले जैसा कर दूंगा। अब कैसे करूं सामना सबका, कैसे बनूं पहली वाली प्रज्ञा? मुझसे नहीं होगा, नहीं, मगर बनना तो पड़ेगा ही, क्योंकि ये मुझसे प्यार नहीं करते और यही सच है। मैं इस सच से भाग नहीं सकती। इतनी डम कैसे हो सकती हूं मैं? Damn it, how can I get pregnant? ये न्यूज़ लोगों को पता चली तो मेरा नाम, मेरी इमेज, मेरा करियर सब खत्म हो जाएगा। ओ गॉड, मैं क्या करूं? और अगर अभी को पता चल गया तो पता नहीं ये सुनके क्या रिएक्ट करेगा। वो पहले से मुझसे बहुत जुड़ा हुआ है, और अगर ऐसे में मैं उसे ये बात बताऊंगी तो हो सकता है वो मुझसे बात करने ही बंद कर दे। नहीं मैम, मुझे किसी भी तरह ये बात छुपानी होगी उससे, और जल्दी कोई सलूशन निकालना होगा। क्या करूं? ओह माय गॉड, कहीं प्रज्ञा ने ये बात अभी को बता दी तो? कुछ भी हो सकता है, बात बन भी सकती है और बिगड़ भी सकती है, इसलिए जो भी करना है पहले उस प्रज्ञा को करने देती हूँ। मेरे कुछ भी कहने से या करने से अभी की दादी तक बात पहुंची तो अभी अपसेट हो जाएगा। नहीं,
मैं ये रिस्क नहीं ले सकती, मैं चुप रहती हूँ। हाँ वही बेटर होगा। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।